जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल भवन का दौरा किया। उन्होंने भवन के प्रत्येक कमरे का अवलोकन किया और पार्षदों के साथ टाउन हॉल का उचित उपयोग करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया, ताकि इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के साथ साथ निगम के लिए राजस्व का एक साधन भी विकसित किया जा सके। नगर निगम शिमला के पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर कुसुम सदरेट की अगुवाई में ओकओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और शिमला के रिज पर स्थित टाउन हॉल भवन के जीर्णोद्धार के बाद नगर निगम शिमला को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने टाउन हॉल का जनहित में उचित उपयोग करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए और टाउन हॉल भवन में काउंसलर्स रूम व बैठक हॉल की मांग भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल भवन का दौरा किया, ताकि इसे नागरिक संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री ने भवन के प्रत्येक कमरे का अवलोकन किया और पार्षदों के साथ टाउन हॉल का उचित उपयोग करने बारे विचार विमर्श किया, ताकि इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के साथ साथ निगम के लिए राजस्व का एक साधन भी विकसित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज पर धस रहे स्थल का भी निरीक्षण किया और शीघ्र इसके सुधार के लिए निर्देश दिए। ये निर्णय जो है हमारे माननीय उच्च न्यायालय से आया है कि मेयर डेप्टी मेयर का ऑफिस जो है इसी भवन में रहेगा जहां पहले हुआ करता था। तो हमारे पास अच्छा ये स्थान है, स्पेस भी अच्छा है और इसमें 3 फ्लोर है और उसमें 1 फ्लोर में मेयर डेप्टी मेयर और उसके साथ और चीज़ें क्या हो सकती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कॉरपोरेशन का हमारा ऑफिस जो यहाँ पर काम करेगा और यहाँ कॉरपोरेशन का जो हमारा हाउस कंडक्ट किया जाता है वो उसकी प्रोसीडिंग भी यहीं पर होगी एक ही फ्लोर में। और रहा जहाँ तक बात रहती है ग्राउंड फ्लोर की बात और हमारा जो ऊपर एटिक है, इन 2 फ्लोर की बात रहती है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर तो हम ये भी सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हमारे पास गुंजाइश है एक कमर्शियल जो है एक्टिविटी के लिए, जिससे जो है आय का एक साधन बन जाएगा हमारे कॉरपोरेशन के लिए भी। और उसके साथ साथ में क्योंकि माल रोड और हमारा ये रिज जो है एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, देश दुनिया के लिए, और इसलिए उन लोगों को बैठने उठने के लिए एक सारी चीज़ को लेकर के कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ को लेकर के आज हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से जा रहे हैं। और जहाँ तक एटिक की बात है, एटिक में भी हम सोच रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन भी इसका सारा म्यूजियम के रूप में कर सकते हैं या किस रूप में कर सकते हैं वो भी, क्योंकि 2 अच्छे बड़े हॉल हैं हमारे पास। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ज़रूर आ रही है कि एंट्री हमारे पास जो है उसमें बहुत कंजस्टेड है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर लिफ्ट का प्रोविज़न इसमें हम करने की स्थिति में हो पाएंगे, अगर NGT की ओर से हमको परमिशन इसकी मिल जाएगी तो लिफ्ट के माध्यम से जो है जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी आ सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, तो एक सुविधा और हमारे पास यहाँ पर बनने की गुंजाइश बनेगी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी लंबे समय के बाद ये सारा हमारा टाउन हॉल बन करके तैयार हुआ है। तैयार होने के साथ साथ में जो एक इसकी ये किस तरह से चलेगा, कौन बैठेगा, इस सारी चीज़ को लेकर के कोर्ट ने अब लगभग अपना निर्णय दे दिया है। वहीं पत्र बम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में रही कांग्रेस और भाजपा की सरकार के समय में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गुमनाम पत्रों का कोई आधार नहीं है और उपचुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम्मत है तो कोई भी तथ्यों सहित सामने आए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार इस मामले की तह तक जाएगी और ऐसे गुमनाम पत्र जारी करने वाले को जल्द खोज निकालेगी। बिना दस्तखत के अगर किसी में हिम्मत है, हम किसी भी जांच करने के लिए तैयार हैं। अगर हिम्मत है सामने आए, सबूत के साथ आए। ऐसे गुमनाम चिट्ठियां आज से नहीं, पीछे कई वक्त से चलती रहती है, घूमती रहती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, सरकार की इमेज को टार्निश करने के लिए। ये पहला प्रयास नहीं है, कांग्रेस के दौरान भी होता रहा और हमारी सरकार के दौरान भी पीछे होता रहा, वर्तमान भी हो रहा है। लेकिन हमने तय किया है, हम तह तक जाएंगे और खोद के निकालेंगे। जो आदमी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा।